असलम स्टूडेंट्स ये हमारे मिड टर्म रिविज़न की वीडियो सीरीज़ हैं ये वीडियो लेक्चर जो होंगे इसमें रिविज़न की जाएगी फ्राम वीक वन टू वीक एटीन तो हम क्विकली अपना वीक नंबर वन असम्बली लैंग्वेज का स्टार्ट करते हैं अच्छा uh, जो हमारा वीक वन है इसमें हम बेसिकली uh, प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं असम्बली लैंग्वेज है क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि असम्बली लैंग्वेज होती है वो आपके प्रोसेसर के लिए होती है uh, और आपको असम्बली uh, लैंग्वेज जब आप लिखते हैं उसमें प्रोग्राम करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर प्रोसेसर की अपनी असम्बली लैंग्वेज होती है सो सो फॉर दैट रीज़न आपको सबसे पहले उस प्रोसेसर का आर्किटेक्चर की समझने की ज़रूरत है क्योंकि आप जब असम्बली लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिकली यू आर डायरेक्ट डायरेक्टली टॉकिंग टू द प्रोसेसर आप प्रोसेसर से डायरेक्टली बात करते होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि उसके रिसोस कैसे डिज़ाइन हुए हैं ताकि आप उन रिसोस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें ठीक हो गया तो हम जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये एटी एटी सिक्स है ये सिक्सटीन बिट्स का सिक्सटीन बिट्स का इसका वर्ड साइज़ है ठीक है इसमें हमारे पास रजिस्टर्स हैं रजिस्टर्स आपको पता होता है स्मॉल मेमोरी होती है और ये जो मेमोरी होती है ये प्रोसेसर इस्तेमाल करता है फॉर एफिशिएंट uh, प्रोसेसिंग जो भी चीज़ प्रोसेस होने वाली होती है वो एक डेडिकेटेड प्रोसेसर में आती है ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके ठीक uh, है बसेस हैं डेटा कैसे आएगा जाएगा ये आपको एक डायग्राम है कि आपके पास सी पी यू मेमरी से इंस्ट्रक्शन भी लेता है डेटा भी लेता है और ये तमाम बसेस जो हैं ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमरी को और सी पी यू को आपस में कनेक्ट करती हैं अच्छा सो क्विकली जंपिंग टू द टॉपिक एटी एटी सिक्स के बारे में हमारे पास यहाँ पर चार जो है, डेटा हैं डेटा रजिस्टर्स हैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स टी एक्स ये चार जो रजिस्टर्स हैं इन तमाम का साइज़ सोलह बिट्स हैं एंड दे आर बीइंग यूज्ड फॉर द डेटा प्रोसेसिंग ये बात हमें समझ आ गई फिर हमारे पास हमारी जो मेमोरी होती है वो मुख्तफ सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है कोर्ड सेगमेंट डेटा सेगमेंट और स्टैग सेगमेंट हमारे पास ये चार रजिस्टर हैं कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट स्टैग सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट ये भी सिक्सटीन बिट्स के हैं और ये हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास मेमोरी में हमारा जहाँ पर कोड पढ़ा होगा उसे हम कोड सेगमेंट कहेंगे जहाँ पर हमारा डेटा होगा वहाँ पर डेटा सेगमेंट कहेंगे जहाँ पर हमारा स्टैक क्रिएट होगा उसे हम स्टैक सेगमेंट कहेंगे तो मेमोरी में ये जहाँ पर भी होते हैं हमारे पास उनके एक यूनिक एड्रेसेस होते हैं और प्रोसेसर इन तमाम एड्रेसेस को इन रजिस्टर्स uh, में सेव कर लेते हैं कोड सेगमेंट का एड्रेस कोड सेगमेंट रजिस्टर में होगा डेटा सेगमेंट का मेमोरी का जो डेटा सेगमेंट जहाँ पर बना हुआ है उसका एड्रेस डेटा सेगमेंट में होगा स्टैक सेगमेंट का एड्रेस स्टैक सेगमेंट होगा एक्स्ट्रा सेगमेंट जो होता है समटाइम्स हमें प्रोग्रामिंग में एक ही सेगमेंट में रहते हुए हमें दो एड्रेसेस को सेव करना पड़ता है जैसे हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस में किया था हम ऑल दो हम उसे पढ़ चुके हैं मेटम का हिस्सा तो नहीं है लेकिन आपको याद होगा और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है ये हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी प्रोग्राम की आती होती है उसका एड्रेस होल्ड करते हैं सिमिलरली स्टैक पॉइंटर बेस पॉइंटर ये हमारे पास डेटा को हैंडल करते हैं सॉरी uh, ये हमारे पास स्टैक uh, uh, को हैंडल करते हैं जो हम uh, स्टैक में डेटा पुश करते हैं या पॉप करते हैं स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है पुश और पॉप फंक्शन से बेस पॉइंटर को एज अ प्रोग्राम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंट्रोल कर सकते हैं सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेटा इंडेक्स रजिस्टर जो हैं ये दो रजिस्टर जो हैं इसमें हमारे पास ऑफसेट uh, वैल्यूज़ होती हैं सोर्स की और डेस्टिनेशन इंडेक्स की ठीक होगी अच्छा अब ये रजिस्टर्स ये 16 बिट्स के ये डेटा रजिस्टर जैसे हमने जिक्र किया हम इनको सिक्सटीन बिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे ज़रूरत हो तो हम इन्हें 8 बिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आर नीड रिक्वायरमेंट ठीक है तो यहाँ पर हम एफिशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोस भी यहाँ पर हम कर रहे हैं अच्छा हमारे पास एक्यूमलेटर uh, रजिस्टर जो होता है इसमें हमारे पास क्या आता है जो प्रोसेस डेटा होता है बेस रजिस्टर में हमारे पास बेस पॉइंटर्स आते हैं ऑफसेट वैल्यूज़ आती हैं काउंट रजिस्टर में हमारे पास काउंटिंग और लूप के लिए आता है और डेटा डेटा रजिस्टर डी जो है डेटा रजिस्टर इसमें हम स्ट्रिंग uh, ऑपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं इनपुट आउट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑफ करेक्टर्स के लिए भी यूज़ करते हैं तो हमारे पास डी इन तमाम कामों के लिए इस्तेमाल होता है सिमिलरली अब आ, हमारे पास जो कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था तो हमारे पास होता ही है कि हमारे पास जो ये ऑफ हमारे पास होता है ऑफसेट भी हमें चाहिए होता है क्योंकि सेगमेंट जो होता है सेगमेंट ये आपके पास एक बड़ा चंक होता है प्रोसे मेमरी uh, के अंदर वो उसका एड्रेस तो आपके पास आ गया है कोर्ट सेगमेंट रजिस्टर में लेकिन हमें ऑफसेट एड्रेस चाहिए होता है कि हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाएं वो हमें देता है कोड सेगमेंट के साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यूज़ होता है डेटा सेगमेंट के साथ सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज़ होता है जो स्टैक सेगमेंट होता है इसके पास साथ जो होता है स्टैग पॉइंटर और बेस पॉइंटर इस्तेमाल होता है तो ऑफसेट वैल्यूज़ हमारे पास उन रजिस्टर्स में चली जाती है ताकि हम एक स्पेसिफिक लोकेशन में जा सकें अच्छा ये वही सारी डिटेल्स गिवन है अच्छा यहाँ पर हमें ये भी थोड़ा सा बताया है कि हमारे पास जो मेमोरी है हमारे पास एटी एटी सिक्स में वो वन मेगाबाइट हमारे पास मेन मेमोरी है वन मेगा बाइट को अगर हम कन्वर्ट करें तो वन जीरो टू फोर किलो बाइट बनता है और अगर इसको मैं देखूँ बाइनरी uh, में टू की पावर में तो ये बनता है ट्वेंटी यानी मुझे ट्वेंटी बिट्स का ट्वेंटी बिट्स का मुझे क्या चाहिए होगा ये जो आपके पास ट्वेंटी आ रहा है इतनी बिट्स का मुझे क्या चाहिए होगा एक एड्रेस चाहिए होगा लेकिन यहाँ पर जो हमने ऊपर देखा है वहाँ पर हमने ये देखा है कि हमारे पास सोलह सोलह बिट किए तो हम 20 बिट्स का तो हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है लेकिन हम डिवाइड करके 16 बिट कोड सेगमेंट और 16 बिट हमारे पास क्या होता है ऑफसेट वैल्यू को मिला के एक लॉजिकल एड्रेस बनाते हैं और फिर उस लॉजिकल एड्रेस से हम 20 बिट्स का एड्रेस भी बना सकते हैं उसकी एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है कि हमारे पास ये आपके पास है देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये हमारे पास सिक्सटीन बिट है आ, पहली वैल्यू हमारे पास कोर्ट सेगमेंट की है दूसरी वैल्यू आपके पास ऑफसेट की दोनों सिक्सटीन बिट्स हैं क्योंकि हेग्जा में लिखे हैं अच्छा लेकिन अगर मैंने इनको कन्वर्ट करना हो ट्वेंटी बिट्स में तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कोड सेगमेंट को टेन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है और फिर उसमें ऑफसेट वैल्यू को क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ तो ये हमारे पास हैगजा एडिशन हुई हुई है ये आपके सामने क्लियर है और इस तरह इसकी बहुत सारी एग्ज़ैम्पल भी आपको नज़र आ रही है अच्छा अब हम ज़रा चलते हैं वीक नंबर टू वीक नंबर टू जो है इसमें बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम अपनी प्रोग्रामिंग को भी इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हमारा जो वीक नंबर वन था उसमें हमने हार्डवेयर से रिलेटेड काफ़ी बातें कहीं क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए था कि हमारा हार्डवेयर है क्या है क्या क्योंकि हमने वहाँ पर हमने प्रोसेसर से बात करनी थी ओके okay, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमारे पास नेम फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है नेम फील्ड हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या होती है कि हमने किस किस्म के वेरिएबल्स के नाम देने हैं हमने जो हमारे पास प्रोसीजर्स के नाम होंगे वो हमने कैसे देने हैं लेबल्स हमने कैसे देने है, तो यहां हैं तो यहाँ पर है तो ये कुछ आपने बातें याद रखनी है कि कभी ब्लैंक नहीं आना चाहिए आपका करेक्टर से जो हम डिजिट से कभी स्टार्ट ना हो डॉट ना है और ये हमारे पास कुछ करेक्टर्स हैं वो ना है और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो यूनिवर्सल रूल है कि रिज़र्व वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तमाम चीज़ों के लिए ठीक हो गया फिर कमेंट्स आप डाल सकते हैं सेमी कॉलन से डाल सकते हैं अगर मल्टी लाइन में जाना हो तो आप मल्टीपल सेमी कॉलन डाल के आप मल्टी लाइन कॉमेंट्स लिख कर सकते हैं अच्छा डेटा रिप्रेजेंटेशन आपके पास डेसिमल में भी हो सकती है बाइनरी में भी हो सकती है ठीक है आपके पास हैगजा में भी हो सकती है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो वो डेसिमल कंसिडर होगा लेकिन अगर आप बाइनरी लिखते हैं स्मॉल बी या कैपिटल बी आपको लिखना पड़ेगा हेक्सा के लिए भी आपको एंड में स्मॉल एच या कैपिटल एच लिखना पड़ेगा लेकिन आप याद रखें जब भी आप कोई लिखेंगे हेक्सा करेक्टर और वो ए से लेकर एफ़ तक है तो उससे पहले आपको जीरो ऐड करना पड़ेगा ठीक है ये बात समझ आ गई ठीक है फिर हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल का नाम अकॉर्डिंग टू नेम फील्ड है जो हमारे पास ऊपर डिस्कस हो चुका है हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमें यहाँ पर साथ ये भी मैंशन करना पड़ता है कि हमारे पास वेरिएबल का मेमरी में साइज़ कितना होगा तो हमारे पास चार ऑप्शनज़ हैं डी बी एट बिट्स यानी वन बाइट रिज़र्व हो जाती है डी डब्ल्यू सिक्सटीन बिड्स फिर आपके पास चार बाइट्स यहाँ पर आपके पास आठ बाइट्स और यहाँ पर दस बाइट डिपेंडिंग ऑन द नीड आपको कितना चाहिए आप लिख लेते हैं ठीक है यहाँ पर और फिर यहाँ पर आप वैल्यू लिख देते हैं जो जिस वैल्यू को आपने स्टोर करना होता है सिमिलरली ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कैसे अल्फ़ा uh, नामी एक वेरिएबल uh, में फोर हम सेव करते हैं और अगर हमने वेरिएबल को अन रखना हो तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं सिमिलरली ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डी डब्ल्यू की भी आप देख सकते हैं अच्छा अरे भी हमारे पास ऐसे ही डिक्लेयर होता है जैसे आपने ये देखा यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा एक एक बाइट रिजर्व होगी और ये कन्जेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे हैं जिसकी एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर आपके सामने शेयर की गई है ठीक हो गया अच्छा कुछ हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शन है मूव और एक्सचेंज की मूव में ये होता है कि हमारे पास सोर्स से वैल्यू क्या होती है ये आपके पास मूव होती है और कहाँ चली जाती है आपके पास डेस्टिनेशन में चली जाती है ठीक हो गया और यहाँ पर आपके पास डेस्टिनेशन की वैल्यू तो अपडेट हो जाती है लेकिन सोर्स की वैल्यू एज इट इज़ रहती है एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने जो आपके पास जितना सोर्स का साइज़ है उतना ही डेस्टिनेशन का साइज़ होना चाहिए सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो है एक्सचेंज एक्सचेंज में वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं स्वॉप हो जाती हैं ठीक है एक्सचेंज की जो वैल्यू है सो डेस्टिनेशन वाली वैल्यू इधर चली जाती है और आपके पास सोर्स वाली वैल्यू जो है वो आपके पास किधर चली, चली जाती है इधर चली जाती है इसमें दोनों की वैल्यू अपडेट हो जाती है ये आपके पास टेबल है जिसकी बेस पर आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऑपरेशन आप कर सकते हैं मूव और एक्सचेंज में ठीक है अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो देख लेते हैं अब जरा हमारा जो मेन टास्क है हम अपने प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं इंटरप्ट हमने देखा था और इंटरप्ट में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो इंटरप्ट होता है उसमें ये होता है कि आपके पास तीन किस्म के आपके पास सॉरी चार किस्म के हमारे पास फंक्शंस होते हैं हम फंक्शन नंबर वन यूज़ करते हैं फॉर करेक्टर इनपुट फंक्शन नंबर टू हम यूज़ करते हैं फॉर करेक्टर आउटपुट हम स्ट्रिंग uh, uh, की डिस्प्ले के लिए फंक्शन नंबर नाइन यूज़ करते हैं और हम प्रोग्राम की टर्मिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फंक्शन फोर सी ठीक हो गया तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा कोड है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कैसे एक करेक्टर इनपुट हो सकता है तो हम यहाँ पर ए AH एच में हमेशा हम क्या करते हैं उस जो हमारे इंटरप्ट की सब रूटीन होती है उसका फंक्शन होता है वो हम इनपुट करते हैं और जैसे ही हम इंटरप्ट ट्वेंटी वन करते हैं तो हमारे पास वो फंक्शन कॉल हो जाता है तो हम जब ये करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू हमारे पास किधर आ जाएगी वो वाली वैल्यू हमारे पास ए एल में आ जाएगी और जो भी चीज़ हम डिस्प्ले करना चाहते हैं हम वो कहाँ पर मैंशन कर देते हैं डी में कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे मूवी एस टू करके इंटरप्ट ट्वेंटी वन जब करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है ठीक हो गया ये हमारे पास आ गया यहाँ पर हम कंप्लीट uh, एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं अपने प्रोग्राम का करेक्शन के साथ मॉडल uh, ये आपका आ गया स्टैक आपका आ गया यहाँ से आपका कोर्ट शुरू हो गया यहाँ पर हमने लिखा है कि हमने यहाँ पर क्या किया फ़ंक्शन वन मूव किया ए AH एच में इंटरप्ट किया तो हमारे पास वैल्यू ए एल में आ गई हमने फंक्शन टू किया अब हमने इस करेक्टर को क्या कराना है डिस्प्ले कराना है तो एल में हमारे पास हमें पता है जब हम फंक्शन टू यूज़ करते हैं तो हमारे पास डी एल में जो भी वैल्यू होती है जैसे ही इंटरप्ट ट्वेंटी वन कॉल होता है वो डिस्प्ले uh, हो जाता है एक सिंगल करेक्टर और यहाँ पर हमने फंक्शन फ़ोर सी यूज़ करके क्या कर दिया हमने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया ठीक हो गया अच्छा अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है Uh, यहाँ पर हमने वो तमाम चीज़ें लिखी जो हमने पहले लिखी हैं लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने स्ट्रिंग uh, की जो टर्मिनेशन थी वो हमने डॉलर साइन से की डॉलर साइन क्या है ये हमें ऑटो uh, क्या कर देता है टर्मिनेट कर देता है अच्छा यहाँ पर जब भी आप uh, लिखेंगे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ये दो लाइनें लिखना ज़रूरी हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है या दस वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ये आपको लाजमी ये लिखना पड़ेगा ठीक हो गया अच्छा अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने लोड अफेक्टिव एड्रेस हमारी कमांड है जो हम यूज़ करते हैं इसमें यह होता है कि इसमें आपके पास जो आपके पास वेरिएबल होता है यानी हमारे पास यहाँ पर मैसेज वेरिएबल है इसका एड्रेस मूव हो जाता है डी एक्स में और जैसे आप इंटरप्ट ट्वेंटी वन कॉल करते हैं तो आपके पास वो स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाती है और यहाँ पर हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया ये भी समझ आ गई हमें अच्छा यहाँ पर कुछ और एग्ज़ाम्पल हैं जिनको हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे लेकिन बल्कि हम देख ही लेते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया हमने सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क को डिस्प्ले करना है और यहाँ पर हमारे पास दो करेक्टर्स हमने इनपुट करने हैं लेकिन हमारा सेम टें होना चाहिए ये क्यों है ये आपको पता है तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने लिख ली ठीक हो किया और फिर हमने यहाँ पर क्या किया सिंपली यहाँ पर जो की पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ किधर कि किया हमारा एड्रेस ये ये जो हमारा पॉइंट है ये आपको मैंने सिर्फ बताना है कि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक क्यों किया क्योंकि आपने देखा होगा एस की टेबल में कि हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो 48 एट का होता है और इसमें हमने क्लास में भी हमने प्रैक्टिस की थी ठीक है तो ये चीज़ क्लियर हो गई या गया अच्छा यहाँ पर हमने एक और प्रोग्राम किया इस प्रोग्राम में बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमने प्रॉम्प्ट करना है हमने यूज़र का नाम रीड करना है ठीक है और जैसे हमारे पास फ़र्स्ट नेम हो गया मिडिल नेम हो गया और लास्ट उसके लेटर्स ले लेने और फिर हमने क्या करना है हमने उसको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करना है ठीक है जैसे हमने जे एफ़ के किया है तो फिर हमारे पास जे एफ के अलग अलग लाइन में आना चाहिए तो ये बड़े सिंपल सा है यहाँ पर हमने इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है कि जब भी हम करेंगे तो हमारे पास न्यू लाइन और एंटरप्राइस हो जाएगा टेन जो है हमारे पास अच्छा तो हमारे पास ये टेन जो होता है ये एस की वैल्यू होती है न्यू लाइन की और थर्टीन जो हमारे पास एस की वैल्यू होती है ये कैरेज रिटर्न की होती है तो जैसे ही हम ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली हो जाएंगी तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया हमने एक प्रॉम्ड दिया इंटर थ्री इनिशियल्स ठीक है ये जैसे ही आपके पास हो जाएगा तो आपका थ्री इनिशियल्स डिस्प्ले हो जाएँगे मूवे एच वन से हम आपके इनिशियल की पहली वैल्यू लेंगे हम उसे ए एल को बी एल में मूव कर देंगे फिर हम दूसरी वैल्यू लेंगे वो भी ए एल में आएगी वो हमारे पास हमने कहाँ पर मूव कर दी सी में और फिर हम तीसरी वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास ए एल में ही रहेगी हमने उसे सी में डाल दिया तो एक वैल्यू आपके पास बी में है दूसरी वैल्यू सी में है और तीसरी वैल्यू सी में है अच्छा अगर आपके पास <coughs> तीन से ज़्यादा हो और आपके रजिस्टर्स कम लगे तो आप वेरिएबल्स को भी अनइनिशियलाइज रख के वहाँ पर भी वैल्यूज़ को मूव कर सकते हैं और फिर हमने क्या किया मैसेज टू को डिस्प्ले किया मैसेज टू डिस्प्ले करने का फ़ायदा ये हुआ कि हम न्यू लाइन में आ जाएंगे और कैरेज रिटर्न ऑटोमेटिकली हमारे पास हो जाएगा तो हमने जैसे ही उसको किया तो हमारे पास न्यू ये हमने जब किया और हमने इंटरप्ट ट्वेंटी वन किया क्योंकि हमारे पास ए एच ऑलरेडी नाइन था तो हमारे पास क्या हो गया हम न्यू लाइन में आ गए सबसे पहले चीज़ हमने क्या की हमने बी को डिस्प्ले किया बी डिस्प्ले हो गया फिर हमने ए AH एच की वैल्यू को अपडेट किया और फिर हमने जब ये किया तो हम न्यू लाइन और कैरिज रिटर्न ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया फिर हम सी को करेंगे फिर हमने मैसेज टू को किया न्यू लाइन और कैरिज रिटर्न ऑटोमेटिकली हो गया और फिर हमने यहाँ पर कर दिया तो दिस इज़ हाउ हमारा ये प्रोग्राम जो हमारी रिक्वायरमेंट थी जैसे ए था हमारे पास ये अलग अलग लाइन में शो किया हमारा जो लास्ट प्रोग्राम है लास्ट प्रोग्राम में हमने ये देखना है कि हम ए से लेकर एफ़ तक हेक्सा वैल्यू डालेंगे और हमारे आउटपुट पे क्या आना चाहिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सी और यहाँ पर आपके पास क्या है ट्वेल्व के ठीक हो गया यानी सी तो है हेक्सा में लेकिन डेसिमल में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है ट्वेल्व है तो हम ये देखते हैं ठीक गया ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटरा एक्ग डिजिट और फिर हमने यहाँ पर क्या किया टेन और थर्टीन आप लोग अभी इससे यूज हो गए हैं न्यू लाइन के लिए आप इसको मैसेज मैसेज uh, के साथ भी कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ के ताकि जब स्ट्रिंग डिस्प्ले हो तो ये ऑटोमेटिकली आ जाए अच्छा यहाँ पर जो एक की पॉइंट है यहाँ पर हमने वन जो है ना बाई डिफ़ॉल्ट किया किया व्या है ठीक है वन का uh, ये होगा कि हमें वन डिस्प्ले करना नहीं पड़ेगा uh, और अभी आप जाके लॉजिक को भी आप देख लेंगे ठीक ओके अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया हमने पहला जो हमारे पास है कि हमने पहला स्ट्रिंग इंटर हेक्सा डिजिट हमने यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा मैसेज वन से डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पर हम फंक्शन वन कॉल करके हम उसको इनपुट करेंगे वो हम बी में सेव कर लेते हैं अच्छा यहाँ पर हमसे ये हमारे पास जो इनपुट वैल्यू है वो हमारे पास किधर है वो हमारे पास है बी में हमने उससे सेवनटीन माइनस किया हम सेवनटीन क्यों माइनस कर रहे हैं हम 17 इसलिए माइनस कर रहे हैं कि अगर आप ये एस की टेबल देखें यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 65, और 65 में से अगर मैं 17 माइनस कर दूँ तो वो आता है 48, यानी जीरो आ जाएगा वन हमारे पास ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है तो जब ज़ीरो आ जाएगा तो वन ऑलरेडी स्ट्रिंग में डिस्प्ले होगा तो ये वन जीरो बन जाएगा बी है बी में से सिक्सटी सिक्स से मैं सेवनटीन माइनस करूँगा तो क्या बन जाएगा फोटी वन ऑलरेडी वहाँ पर स्ट्रिंग में डिस्प्ले हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया और वन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा सो फॉर दिस लॉजिक हमने यहाँ पर वन रखा था यहाँ पर आप देखें स्ट्रिंग में ऑलरेडी वन था और हमारे पास सेवनटीन माइनस करने से करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू आ जाती है और जैसे ही हम क्या करेंगे हम मैसेज टू करेंगे वो आ जाएगा और हमारे पास जो बी एल में सब्ट्रेक्टेड वैल्यू के बाद वैल्यू आएगी वो डी एल में मूव हो जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ, वो जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी चलें थैंक यू ये हमारे पास डिस्प्ले आ गया तो यहाँ पर हमारे पास ये वीक वन टू और थ्री का हाफ लेक्चर यहाँ पर हम खत्म करते हैं थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़